आरजेडी के विधायक नजरबंद, क्या बिहार में होगा फिर कोई बड़ा खेला? 12 फरवरी को अग्नि परीक्षा। एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी को एक छोटा तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। नीतीश जी चल के आए, तेजस्वी जी नहीं गए, चल के आए। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें, हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। जो डर गया सो मर गया, यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। बिहार में 12 फरवरी को होने वाली नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही शहमात का खेल जारी है। शनिवार को आरजेडी की बैठक खत्म होने के बाद और फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आरजेडी के सभी विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर ही रोक दिया है, उन्हें घर जाने से मनाही की गई है। वे अब फ्लोर टेस्ट यानी कि सोमवार तक तेजस्वी यादव की आवास में ही रहेंगे। सभी विधायकों के सामान अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचने लगे हैं। विधायकों द्वारा घर से कपड़े, कंबल और दवाइयां मंगाई गई हैं। साथ ही आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले बैठक में है इसलिए दवा है, ले आओ। कौन विधायक? सुजगढ़ा विधायक। क्या भाव हो रहा है? हमको नहीं पता है भाई, ये दवा है और टोपी है, हमको नहीं पता। सामान है सर, किसका है? देखिए जा रहा है और एक एक करके बहुत सारे ऐसे बैग जा चुके हैं अंदर, और जो भी बैग लेकर जा रहे हैं आप देख। वहीं विधायकों के नजरबंद किए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सारे विधायकों ने 5 देश रत्न मार्ग में रहने की इच्छा जताई और सभी विधायक एग्जिट होकर यहीं स्टे करेंगे। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। 12 फरवरी को तो एक छोटा एपिसोड है, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। नीतीश कुमार जी चल कर आए थे, तेजस्वी यादव नहीं गए थे। और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया भैया। आवाज काश की मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी को एक छोटा तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना, इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए, तेजस्वी जी नहीं गए, चल के आए। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलाई खुल गई। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक जा रहा है कि कुछ मिसिंग है और जेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है उनके यहाँ, जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुँचे, परेशान ना हो। लेकिन जनता की डर किस बात की है? सारे विधायक देखिए कमाल के, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाए वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। मनोज झा जी, भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। शुक्रिया। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें, हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद।
बच्चे मनोज की राजनीति किसान को करना होगा, भैया साइड हो जाए, साइड साइड साइड। आरजेडी विधायकों के नजरबंद होने पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। आरजेडी द्वारा अपने विधायकों को नजरबंद करने पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी द्वारा अपने विधायकों को नजरबंद करने से ये स्पष्ट हो गया कि आरजेडी हार गई है। महागठबंधन के घटक दल राजद द्वारा यह फैसला लिया जाना कि सारे विधायक और विधान पार्षद 5 देश रत्न मार्ग में राजनैतिक रूप से नजर बंद रहेंगे। कहावत है, जो डर गया सो मर गया, इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत होगी। आरजेडी विधायकों को नजरबंद करने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। इधर आरजेडी द्वारा विधायकों को नजरबंद करने पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया है। अब माफिया राज की आहट राजद के विधायकों को भी सुनाई दे रही है। 12 फरवरी को बिहार के माननीय विधायकों के पास सिर्फ 2 विकल्प है, बिहार का विकास एनडीए के साथ या बिहार का विनाश आरजेडी के साथ। राजद अपने विधायकों के साथ वही कर रहा है जो राजद से अपेक्षित है। अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया राष्ट्रीय जनता दल लालू और उनके परिवार ने। यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। 12 तारीख को सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायकों के पास 2 विकल्प हैं, बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों के साथ या बिहार का विनाश राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के परिवार के साथ। राम राज भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथियों के साथ या फिर से जंगल राज लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ। इन्हीं 2 विकल्पों के साथ मैं सभी माननीय विधायकों से ये उम्मीद करता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। जो दल और जो परिवार अपने माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं कर पाए, इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अभी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में 12 फरवरी को कौन सा नया खेला होता है या फिर बदल जाएगी सियासत की तस्वीर। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।